देखो क्लास 10th का चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म बोल देंगे एपी। ठीक है, देखो एपी होंगी कि एक सीक्वेंस होंगी है जिंदे विच जड़िया टर्म्स होंगे ना, ये सारे टर्म्स है, इन्हों का जो डिफरेंस होंगे ये क्या होंगे सेम। ठीक है, देखो टू तो बाद फोर, फोर तो बाद सिक्स, सिक्स तो बाद एट, एट तो बाद टेन, इन्हों का जो डिफरेंस है आपस वो की है सेम है। ठीक है, जो ये डिफरेंस सेम होंगे उन्होंने बोलते एपी। फॉर एग्जाम्पल फाइव, टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव। ठीक है, ये सारी अपनी की ए पी है, क्योंकि देखो इन्हों दे विच बिटवीन जो डिफरेंस है वो किन्ना फाइव फाइव का। ठीक है, देखो माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, यही ए पी है। देखो इन्हों दे बिटवीन जो डिफरेंस है वो की है वन वन का। देखो डिफरेंस फाइंड किमें करते हैं, फोर माइनस टू किता तो डिफरेंस टू हो गया, सिक्स माइनस फोर किता डिफरेंस टू हो गया, एट माइनस सिक्स टू हो गया, टेन माइनस एट टू हो गया। यानी कि देखो ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सैकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तुसी अगर इन्हों विचला डिफरेंस फाइंड करना है, इन्हों बिटवीन डिफरेंस फाइंड करना है, तो ए टू चो की माइनस करोगे ए वन, ए थ्री चो की माइनस करोगे ए टू, ए फोर चो की माइनस करोगे ए थ्री, ए फाइव यानी कि फिफ्थ टर्म चो की माइनस करोगे ए फोर। ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट किता, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कीती, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कीती, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म कीती। ठीक है, ये डिफरेंस की होगा इक्वल दैन ए पी होगी। देखो इस जो डिफरेंस है ना इनू डी नाल डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इनू कहते कि कॉमन डिफरेंस, डी नू की बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कि हर टर्म का जो डिफरेंस है वो की है कॉमन है। ठीक है ना, डी नाल डिनोट करते हैं। जिहड़ी पहले नंबर ते टर्म होंदी उहनूं बोलते फस्ट टर्म, फस्ट टर्म। ठीक है, इहनूं ए नाल भी डिनोट कर देंदे आ, ए वन नाल भी ते डी वन नाल भी। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल देखो हुण जिवें आपां फाइव, टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव लिखा है, इहनूं चैक करन वास्ते कि ए पी है कि नहीं, टेन चो की माइनस कर दोगे, सैकेंड टर्म चो फर्स्ट टर्म माइनस, थर्ड टर्म चो सैकेंड टर्म माइनस, फोर्थ टर्म चो थर्ड टर्म माइनस, फिफ्थ टर्म चो फोर्थ टर्म माइनस। देखो ये सारा गैप है जोड़ा टर्म्स बिटवीन वो की है सेम है, दैन ए की होगी ए पी। क्लियर, देखो फर्स्ट टर्म ए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, तो थोड़े को सीक्वेंस की बन जूगी ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, सोन अप टू। ठीक है, देखो ए फर्स्ट टर्म होगी ए, उन्हें डी डी एड करते जाओगे तो थोड़े को बन जूगा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी। देखो चेक करना है कि ए पी है कि नहीं, ए प्लस डी चो ए की करोगे माइनस, तो देखो कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है ना, ए प्लस टू डी चो ए प्लस डी माइनस करोगे, सेकेंड टर्म चो फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, ए प्लस टू डी माइनस ए माइनस डी। देखो टू डी माइनस डी, डी आ रहा है ना, फिर दिस माइनस दिस, ए प्लस थ्री डी माइनस ए प्लस टू डी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे, दिस वन कैंसल, थ्री डी चो टू डी माइनस करोगे क्या बोल। देखो यानी कि तुसी ये ध्यान रखियो कि ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी अपनी की बन जाती है ए पी होती है। ठीक है ना, इनका जनरल फॉर्मूला की होता, देखो जनरल फॉर्मूला
एनथ टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो तुसी अगर फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है ए वन, ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। देखो वन माइनस वन करोंगे जीरो, जीरो इंटू डी जीरो, यानी कि थोड़े को फर्स्ट टर्म किन इक्वल आ गई ए वन इक्वल टू ए। अगर यही तुसी सैकेंड टर्म फाइंड करनी है तो इतने एन की जगह पर की पुट कर दो टू, ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए प्लस वन डी। ठीक है, सिमिलरली तुसी थर्ड टर्म फाइंड करोगे, फोर्थ टर्म फाइंड करोगे, फिफ्थ टर्म फाइंड करोगे, थोड़ी ये वाली सीक्वेंस बन जूगी ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी। ठीक है, जनरल फॉर्मूला की होंगे ए एन किन्दे इक्वल होंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि इनू की कह देंगे एनथ टर्म भी कह देंगे। ठीक है, लास्ट टर्म भी कह देंगे ते जनरल टर्म भी कह देंगे। ठीक है, ए एन तो तुसी जो एन च वैल्यू पुट करोगे सारी सीक्वेंस फाइंड कर सकते हो, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी। ठीक है, ए एन नू एनथ टर्म भी कह सकते हो, लास्ट टर्म भी कह सकते हो, तो जनरल टर्म भी कह सकते हो। देखो एग्जाम्पल, देखो चेक माइनस वन फोर नाइन फोर्टीन सोन अप टू टर्म्स ऑफ ए पी। क्या चेक करना है कि ए पी बनाते हैं? देखो मैं तुहानू की कहा सीगा, अगर ए पी चेक करनी है तो इन्हों का जिहड़ा बिटवीन का डिफरेंस होगा ना कि होना चाहिए सेम। ठीक है, यानी कि सैकेंड टर्म चो फस्ट टर्म की करोगे माइनस फोर माइनस माइनस वन, माइनस माइनस प्लस फोर प्लस वन फाइव। सैकेंड थर्ड टर्म चो सैकेंड टर्म माइनस करो, नाइन माइनस फोर फाइव। फोर्थ टर्म चो थर्ड टर्म माइनस करो, फोर्टीन माइनस नाइन फाइव। देखो डिफरेंस की आ रहा, सेम आ रहा ना, तो की है ए पी। ठीक है ना, डी सारे का की आ रहा सेम। तो की बन जूगी ए पी, क्लियर। देखो इफ ए इक्वल टू टेन, डी इक्वल टू जीरो, राइट द फस्ट फाइव टर्म्स ऑफ ए पी। ए पी दियाँ फाइव टर्म्स लिखनी है। देखो की दसा सी कि ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए थोड़िया ए पी दियाँ फस्ट फाइव टर्म्स हो गई, वन टू थ्री फोर फाइव। क्लीयर, ए तो डी दी वेले इतने पुट कर दो। देखो ए टेन है, ए टेन डी जीरो, ए टेन डी जीरो, ए वैल्यू टेन, डी दी वैल्यू जीरो, ए दी वैल्यू टेन, डी दी वैल्यू जीरो। देखो टेन, टेन प्लस जीरो टेन, टू इंटू जीरो जीरो, जीरो प्लस टेन टेन, जीरो इंटू थ्री जीरो, जीरो प्लस टेन टेन, जीरो इंटू फोर जीरो, जीरो प्लस टेन टेन। देखो ए ए पी दी फाइव टर्म्स आ गई हैं। क्लीयर, देखो जे थोन कह देंगे फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ ए पी, ए पी की फस्ट टर्म माइनस इलेवन, डी किमें फाइंड कर दें? सेकेंड टर्म चो फस्ट टर्म की कर दोगे माइनस, माइनस माइनस प्लस, इलेवन माइनस एट किन्ना हो गया थ्री, डी दी वैल्यू किन्नी आ गई थ्री। देखो आप फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, मैं जनरल फॉर्मूला की दसा सी एन टर्म का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, एन दी वैल्यू फोर पुट कर दो, ए फोर किन्दे इक्वल हो जूगा ए प्लस थ्री डी। देखो थोड़े को ए दी वैल्यू भी हैगी, डी दी वैल्यू भी हैगी, इन्हें पुट कर दो, ए किन्ना थोड़े को माइनस इलेवन प्लस थ्री इंटू डी, डी दी वैल्यू किन्नी है थोड़े को थ्री। देखो ए दी वैल्यू माइनस इलेवन पुट करती, डी दी वैल्यू थ्री पुट करती, थ्री इंटू थ्री नाइन। देखो डी दी वैल्यू थ्री पुट की, थ्री इंटू थ्री नाइन, माइनस इलेवन, माइनस इलेवन प्लस नाइन, माइनस इलेवन प्लस नाइन कितना आ जाएगा माइनस टू। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नेक्स्ट टर्म ऑफ ए पी रूट थ्री, रूट ट्वेल्व, रूट ट्वेंटी सेवन, सोन।
देखो रूट थ्री फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, तो फोर्थ टर्म लिखनी है। देखो फर्स्ट टर्म की है रूट थ्री, रूट ट्वेल्व में तुसी की लिख सकते हो टू रूट थ्री, रूट ट्वेंटी सैवन में की लिख सकते हो थ्री रूट थ्री। देखो पेयर बना लिया करो, ट्वेल्व दे की बन जाएंगे टू रूट थ्री, सिमिलरली ट्वेंटी सैवन दे बनाओगे थ्री रूट थ्री। कॉमन डिफरेंस की आज सेकेंड चो फर्स्ट टर्म की कर दें माइनस, टू रूट थ्री चो अगर माइनस कर दो रूट थ्री तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट थ्री। देखो इन्होंने क्या नैक्सट टर्म लिखनी है, फर्स्ट सैकेंड थर्ड यानी कि फोर्थ टर्म लिखनी है तुसी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होंगे, ठीक है एनथ टर्म का फॉर्मूला कहें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तुसी फोर्थ टर्म लिखनी है एन की जगह पर की पुट कर दो फोर। ए की वैल्यू कि रूट थ्री, डी की वैल्यू कि रूट थ्री पुट कर दो वन रूट थ्री प्लस थ्री रूट थ्री की बन जूगा फोर रूट थ्री। देखो इफ एनथ टर्म ऑफ ए पी इज सैवन माइनस फोर एन दैन इट्स कॉमन डिफरेंस दसना है कि कॉमन डिफरेंस की है। देखो सैकेंड क्वेश्चन इन्होंने एनथ टर्म दिते यानी कि ए एन देता सैवन माइनस फोर एन, ये कहते कॉमन डिफरेंस लिखो। देखो फर्स्ट टर्म यानी कि एन की जगह पर वन पुट कर दिए सैवन माइनस फोर इंटू वन सैवन माइनस फोर थ्री, सैकेंड टर्म एन की जगह पर की पुट कर दोगे टू सैवन माइनस फोर इंटू टू सैवन माइनस एट, ए टू कि आ गया माइनस वन। देखो डी कहते इक्वल होंगे कॉमन डिफरेंस, ए टू चो की माइनस करना है ए वन, ए टू की वैल्यू कितनी आई है माइनस वन, ए टू की वैल्यू कितनी आई है थ्री, इतने पुट कर दो माइनस वन माइनस थ्री की बन जूगा माइनस फोर, ठीक है। देखो इफ पी माइनस वन पी प्लस थ्री थ्री पी माइनस वन आर इन ए पी, देखो तीन टर्म दिखाई भी हैं, ठीक है फर्स्ट टर्म सैकेंड टर्म थर्ड टर्म, कहते ए पी च है दैन पी इज इक्वल टू पी की वैल्यू दसनी की है। देखो मैं थोड़ा की कहा अगर थ्री टर्म्स फोर टर्म्स फाइव टर्म्स जिन्नी भी टर्म्स ए पी च है तो उन्होंने कॉमन डिफरेंस के अंदर सेम। देखो अपने फर्स्ट टर्म दी है पी माइनस वन, सैकेंड टर्म दिती हुई है पी प्लस थ्री, ठीक है थर्ड टर्म दिती हुई है थ्री पी माइनस वन। देखो तुम्हें पता है कि ना उन्होंने आपस कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम होगा, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी कि ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। देखो पी माइनस वन पी प्लस थ्री थ्री पी माइनस वन कहते ए पी च, ए फस्ट टर्म होगी ए सैकेंड टर्म थर्ड टर्म, थोनू पता है ए पी जो टर्म्स होंगे उन्होंने जोड़ा कॉमन डिफरेंस होंगे आपस डिफरेंस होंगे वो कहें सेम, यानी कि सैकेंड चो फस्ट माइनस कर दोगे तो थर्ड चो सैकेंड माइनस करोगे दोनों का जोड़ा डिफरेंस होगा कि होगा सेम होगा। पी प्लस थ्री चो माइनस करो पी माइनस वन, थर्ड टर्म चो सैकेंड टर्म माइनस करो थ्री पी माइनस वन माइनस पी प्लस थ्री, ठीक है इनू सोल्व कर दो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएंगे इक्वल टू थ्री पी माइनस वन, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके साइन चेंज कर दूंगा, ठीक है। देखो प्लस पी माइनस पी कैंसल, वन प्लस फोर वन प्लस थ्री फोर, थ्री पी माइनस पी टू पी, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर। देखो माइनस ऑफ फोर राइट हैंड साइड पे जाके की बन जाएगा प्लस, एट पी इक्वल टू टू पी, टू ना डिवाइड कर दो पी की वैल्यू कितनी आ गई फोर। देखो इन एंड ए पी गिवन है कि ए पी चैटर, ठीक है सीरीज किन्दे च है ए पी च, कहते डी किन्दे इक्वल है माइनस फोर, एन इक्वल टू सैवन ए एन इक्वल टू फोर फाइंड ए। देखो एन इक्वल टू सैवन ए एन इक्वल टू फोर, कहते ए दी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है
देखो ए एन का फॉर्मूला की होंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए एन किंदे इक्वल है फोर दे ए एन का फॉर्मूला थोड़ा जनरल फॉर्मूला पता है ना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू के फोर देखो थोड़े को डी तो एन की वैल्यू हैगी इन्हें पुट कर दो ए प्लस एन एन कि सैवन माइनस वन इंटू डी कि माइनस फोर इक्वल टू फोर ए प्लस सिक्स इंटू माइनस फोर इक्वल टू फोर ए माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू फोर माइनस इधर आके गिरेगा पॉजिटिव ये दी वैल्यू कितनी आ गई 28। फाइंड द nth टर्म ऑफ ए पी दिस देखो ए पी गिवन है ए थ्री ए फाइव ए सो ऑन टू कहते nth टर्म फाइंड करो देखो फर्स्ट टर्म ए ही है कॉमन डिफरेंस कि फाइंड कर दें सैकेंड च फस्ट टर्म की कर दोगे माइनस थ्री ए माइनस ए डी इक्वल आ जाओ टू ए ठीक है फस्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस टू ए एनथ टर्म का फॉर्मूला की सीगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए दी वैल्यू ए ही है फस्ट टर्म की वैल्यू ए ही है एन माइनस वन इंटू डी डी कॉमन डिफरेंस कि थोड़े को टू ए पुट कर दो ए प्लस देखो टू ए इंटू एन टू ए एन माइनस टू ए इंटू वन टू ए प्लस माइनस माइनस प्लस टू ए एन ठीक है एनथ टर्म किंदे इक्वल आ गई माइनस ए प्लस टू ए इंटू एन ठीक है देखो फाइंड द इलेवंथ टर्म ऑफ ए पी दिस ये थोनों ए पी च देती सीक्वेंस ठीक है केंद्र इलेवन टर्म फाइंड करो देखो ए गिवन है माइनस फाइव फस्ट टर्म ठीक है डी के में फाइंड कर दो सैकेंड टर्म चो फस्ट टर्म की करोगे माइनस 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 प्लस टेकिंग एलसीएम टू ते बंदा एलसीएम टू माइनस फाइव प्लस टेन देखो डिवाइड वाली टर्म नाल डिवाइड करके ऊपर वाली टर्म नाल की कर देने मल्टीप्लाई वन नाल टू नू डिवाइड करोगे तो टू टू इंटू फाइव टेन टेन माइनस फाइव 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 बाय टू डी दी वैल्यू कितनी आ गई फाइव बाय टू कहते इलेवंथ टर्म फाइंड करो इलेवन टर्म ए प्लस इलेवन माइनस वन इंटू डी जनरल फॉर्मूला याद रखियो एन टर्म का फॉर्मूला कहता ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आप इलेवन टर्म फाइंड करने यानी कि एन की जगह तो पुट करना इलेवन ए प्लस टेन डी देखो थोड़े को ए की वैल्यू भी हैगी है तो डी की वैल्यू भी हैगी है ठीक है दोनों वैल्यूज इन्हें पुट कर दो ए की वैल्यू माइनस फाइव प्लस टेन इंटू डी डी की वैल्यू कितनी है फाइव बाय टू दिस वन कैंसल फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव किंदे इक्वल आ जाएगा ट्वेंटी दे यानी कि थोड़ी इलेवन टर्म किंदे इक्वल आ गई ट्वेंटी दे द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी दिस देखो ए पी दिती भी है ठीक है केंद्र कॉमन डिफरेंस फाइंड करो यानी कि डी फाइंड करना है देखो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना यानी कि डी सेकेंड टर्म चो फर्स्ट टर्म की कर दो माइनस देखो सेकेंड टर्म की है वन माइनस पी अपॉन पी माइनस फर्स्ट टर्म की है वन बाय पी देखो पी से पी एलसीएम लोगे पी नीचे वाली टर्म ना डिवाइड ऊपर वाली टर्म ना मल्टीप्लाई नीचे वाली टर्म ना डिवाइड ऊपर वाली टर्म ना मल्टीप्लाई ठीक है माइनस वन प्लस वन कैंसल माइनस पी अपॉन पी दिस वन आल्सो कैंसल किया गया देखो माइनस वन देखो इफ दी इफ दी सेकेंड टर्म ऑफ ए पी इज थर्टीन एंड फिफ्थ टर्म इज ट्वेंटी फाइव वट इज़ इट्स सैवन टर्म देखो केंद्र ए पी दी सेकेंड टर्म गिवन है केंद्र इक्वल है थर्टीन दे सेकेंड टर्म केंद्र इक्वल है थर्टीन दे फिफ्थ टर्म केंद्र इक्वल है ट्वेंटी फाइव दे केंद्र सैवंथ टर्म फाइंड करो देखो सेकेंड टर्म थर्टीन है फॉर्मूला की लगाऊंगे ए
प्लस टू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू थर्टीन, ए प्लस डी इक्वल टू थर्टीन फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर फिफ्थ टर्म 25 है, ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 25, ए प्लस फोर डी इक्वल टू 25। ठीक है, देखो दो इक्वेशंस बन गया, दोनों इक्वेशन जो सोल्व कर दिए ए तो डी की वैल्यू आ जाऊगी। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ए प्लस डी इक्वल टू किन्दे है 13 दे, ए प्लस फोर डी किन्दे इक्वल है 25 दे। सबट्रैक्टिंग साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसल। देखो आ साइन तो लीव कर दियो, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। डी की वैल्यू कितनी आ गई देखो, 3 डी इक्वल टू 12, डी की वैल्यू कितनी आ गई 12/3 4। देखो डी की वैल्यू जी फस्ट आई 4 आई है ना, ठीक है ना, फस्ट इक्वेशन की कर दो पुट, ए प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू की है 4, पुट करो इन 13-4, ए इक्वल टू किया गया 9। ठीक है, देखो आप सैवंथ टर्म फाइंड करनी है, सैवन टर्म का फॉर्मूला की बनूगा, ए प्लस 6d, ए थोड़े कोल कितना 9, पुट कर दो, डी तुसी फाइंड किया 4 इन्हें पुट कर दो, 6 × 4 9+24=33, सैवंथ टर्म थोड़ी की आ गई 33। इफ 7 times आ सैवंथ टर्म ऑफ AP कहते इज इक्वल टू 11 times इट्स 11th टर्म, दैन इट्स 18th टर्म विल बी, कहते 7 times किंदा करना है 7th टर्म का, कहते किंदे इक्वल है 11 times इट्स 11th टर्म, 18th टर्म फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की कहते हैं 7 times 7th टर्म का, कहते किंदे इक्वल है 11 times का 11th टर्म। ठीक है, 7 × देखो ए 7 का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस 6d इक्वल टू 11 × ए प्लस 10d। सेवन देखो 7 × ए 7a प्लस 7 × 6d 42d इक्वल टू 11 × ए प्लस 11 × 10 110 × d। ठीक है, देखो 7a प्लस 42d प्लस 11 इधर आके के जुगा नेगेटिव था, प्लस 110 इधर आके के जुगा नेगेटिव था इक्वल टू 0। देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। टेकिंग कॉमन माइनस 4, ए प्लस 17d इक्वल टू 0। देखो माइनस 4 इधर आके के जो डिवाइड, ए प्लस 17d इक्वल टू 0। देखो इन्होंने क्या 18th टर्म फाइंड करो, 18th टर्म की होगी ए प्लस 18 − 1 × d ए प्लस 17d। देखो ए प्लस 17d की इन्ना आया अपना 0 आया, यानी कि 18th टर्म थोड़ी की आ गई 0। देखो फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज b एंड कॉमन डिफरेंस इज q, देन फाइंड इट्स 10th टर्म। देखो फर्स्ट टर्म की देती p, कॉमन डिफरेंस की देता है q। ठीक है, 10th टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म का फॉर्मूला की लेंगे a प्लस 10 − 1 × d ए प्लस 9d, ए तो डी की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू p प्लस 90, डी की वैल्यू q। 10th टर्म की आ गई p + 9, ठीक है, डी की वैल्यू q है इंटू च की है 9, 10th टर्म की आ गई p + 9 q। देखो वट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इन विच a 18 - a 14 कितने इक्वल है 32 दे। देखो गिवन की है a 18 - a 14 कितने इक्वल है 32 दे, AP दी 18th टर्म की होगी a प्लस 18 − 1 × d। देखो ए 14 का फॉर्मूला की अप्लाई हो जाएगा, ए प्लस 14 − 1 × d
इक्वल टू कहते 32 दे, ए प्लस 17 डी, ए प्लस 13 डी इक्वल टू 32, ए प्लस 17 डी माइनस, देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू 32, दिस वन कैंसल, 17 डी माइनस 13 डी इक्वल टू 4 डी, ठीक है, इन्होंने माइनस करोगे 4 डी आ जाओ इक्वल टू 32, डी दी वैल्यू कितनी आ गई 32/4, डी कितने इक्वल हो गया 8 से, डी फाइंड करना से। देखो विच टर्म ऑफ ए पी 100, 90, 80 इज जीरो, देखो 100 तो बाद 90 आ रहा, 90 तो बाद 80 आ रहा, 80 तो बाद 70 आएगा, सोन अप टू कहते कि टर्म होगी जी जीरो होगी, ठीक है ना, थोनू तो नहीं पता ना कि नंबर पर होगी वो टर्म, सिक्स होगी कि सैवन टर्म होगी कि टेंथ टर्म होगी कि नाइन्थ टर्म होगी कि ट्वेल्व टर्म होगी, ठीक है ना। देखो ए तक ही हो गया 100, डी सेकेंड चो फर्स्ट की कर दो माइनस, 90 माइनस 100 माइनस 10, विच टर्म इज जीरो का मतलब की है थानू नहीं पता कि टर्म होगी जीरो के इक्वल, तो आप एनथ टर्म रख ली जीरो के इक्वल, ठीक है, यानी कि आप एन की वैल्यू फाइंड कराएंगे, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू की 100 प्लस एन माइनस वन इन टू डी, डी की वैल्यू कितनी माइनस 10 इक्वल टू जीरो, 100 देखो माइनस 10 की एन मल्टीप्लाई करोगे माइनस 10, माइनस माइनस प्लस 1 × 10 10, 100 प्लस 10 110 माइनस 10 10 इक्वल टू जीरो, देखो प्लस इधर आके के जुगा माइनस एन दी वैल्यू कितनी आ जाएगी 110/10, एन दी वैल्यू कितनी आ गई 11, 11 टर्म होगी जिहड़ी थोड़ी की होगी जीरो होगी। देखो इफ एनथ टर्म ऑफ ए पी माइनस 1, 4, 9, 14 इज 129, कहिंदे एस ए पी दी नाइन एनथ टर्म कहिंदे इक्वल है 129 दे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, देखो ए पी की गिवन है माइनस 1, 4, 9, 14, ठीक है, ए दी वैल्यू की होगी माइनस 1, डी की मैं फाइंड करूँगी सेकेंड चो फर्स्ट टर्म की कर दूँगी माइनस, देखो ए की वैल्यू आ गई डी की वैल्यू आ गई, इन्होंने केड़ी टर्म क्या है कहते एनथ टर्म कहते इक्वल है 129 दे, एन की वैल्यू फाइंड करो, एन टर्म का फॉर्मूला कहता ए प्लस एन माइनस 1 × d इक्वल टू 129, देखो ए की वैल्यू कितनी है माइनस 1, डी की वैल्यू कहते इक्वल है 5 दे, पुट कर दो माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 × d, डी की है 5, 5 × n, 5 × -1 इक्वल टू 129, 5n माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 इक्वल टू 129, देखो माइनस और 6 राइट हैंड साइड जाके की बन जाएगा प्लस, 5n इक्वल टू 129 प्लस 6, 5n इक्वल टू 135, n इक्वल टू 135/5 डिवाइड करो 27, ठीक है, एन की वैल्यू की आ गई 27, 27 टर्म होगी जी इक्वल होगी 129 दे। देखो हाउ मैनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, देखो टू डिजिट नंबर शुरू कहते देंगे 10 तो, ठीक है, इन्होंने की कहेगा हाउ मैनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, देखो डिविजिबल बाय 3 तो की होगा 12, 15, 18 सोन अप टू 99, ये कहते हाउ मैनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 कि किन्ने नंबर है, ठीक है, टू डिजिट नंबर किन्ने हैं जेडे डिविजिबल किन्दे नाल होंदे 3 नाल, देखो ए दी वैल्यू तो थोड़े कोल की होगी 12, डी दी वैल्यू किन्नी हो जूगी 15 − 12 = 3, देखो 99 तक ही क्यों रुक गए क्योंकि 99 तो बाद तो 3 डिजिट शुरू हो जाएंगे, अपने इन्होंने की कहेगा 2 डिजिट, ठीक है, ए एन यानी कि थोड़ी लास्ट टर्म होगी ए एन कहते इक्वल हो गया 99 के, हाउ मैनी टर्म्स का मतलब क्या एन फाइंड करना है, ठीक है, एन टर्म का फॉर्मूला कहता ए प्लस एन माइनस 1 × d इक्वल टू 99, देखो ए की वैल्यू कितनी है 12, एन माइनस 1 × d, डी की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 99,
ट्वेल्व प्लस देखो थ्री इंटू एन थ्री एन माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री इक्वल टू 99। ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन प्लस थ्री एन इक्वल टू 99। प्लस द नाइन इधर आके क्या जुगा माइनस द नाइन थ्री एन इक्वल टू 90। ठीक है 99 जो 9 माइनस कर दोगे तो 90 रह जाएगा, एन इक्वल टू क्या जुगा 90/3 30। ठीक है यानी कि 30 नंबर्स होंगे जेडे टू डिजिट होंगे किंदे नाल डिवाइड होंगे 3 नाल। ठीक है विच टर्म ऑफ ए पी दिस इज 210 एस ए पी दी केड़ी टर्म विच टर्म इज इक्वल टू 210। देखो ए पी गिवन है 21, 42, 63 सोन ए किंदे इक्वल है 21 दे डी सेकेंड चो फर्स्ट टर्म की कर दो माइनस। ठीक है इन्होंने देखो की कहेगा विच टर्म ऑफ ए पी इज 210। देखो तुहानू तो नहीं पता ना 210 कितने आऊगा। ठीक है ना फिफ्थ टर्म है सैवन टर्म है नाइन्थ टर्म है तो आप एनथ टर्म रख लिया करो। ठीक है आप एन फाइंड कर लाँगे तो पता लग जूगा कि कहड़ी टर्म है। ठीक है देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 210 ए किन्ना 21 एन माइनस वन इंटू डी डी भी किन्ना 21 इक्वल टू 210। 21 प्लस दिस इंटू दिस 21 एन 21 इंटू माइनस वन माइनस 21 इक्वल टू 210। देखो 21 प्लस माइनस कैंसल 21 एन इक्वल टू 210 एन इक्वल टू 210/21 एन दी वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है टेंथ टर्म होगी जी होगी जी इक्वल होगी 210 दे। देखो इन एन ए पी इफ कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू माइनस फोर सेवंथ टर्म इज 4 बट इज़ द फर्स्ट टर्म। देखो कॉमन डिफरेंस डी किंदे इक्वल दिता हुआ माइनस फोर दे सैवंथ टर्म थानू किंदे इक्वल दिती गई है 4 दे फाइंड की करना फर्स्ट टर्म सैवंथ टर्म इक्वल टू 4 सैवन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करो ए प्लस सैवन माइनस वन इंटू टू डी इक्वल टू 4 ए प्लस 6 डी इक्वल टू 4। देखो डी की वैल्यू हैगी है ना थोड़े को माइनस 4 पुट कर दो प्लस माइनस 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 आ 24 इधर आके क्या जगह प्लस ए इक्वल टू कितना आ गया 28। ठीक है फर्स्ट टर्म ही फाइंड करने से फाइंड ए बी एंड सी सच दैट फ्लोइंग नंबर्स आर इन ए पी ए 7 बी 23 सी। देखो ये टर्म्स है ना जी ए पी दी टर्म्स है तो थोड़ा पता है ए पी दी जो टर्म्स हो जोड़ा डिफरेंस होगा की होगा इक्वल होगा यानी कि 7 माइनस ए बी माइनस 7 23 माइनस बी सी माइनस 23 आपस के होगा इक्वल होगा। ठीक है ना देखो फर्स्ट टर्म ए सेकेंड टर्म 7 थर्ड टर्म बी फोर्थ टर्म 23 फिफ्थ टर्म सी दिस माइनस दिस 7 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 7। ठीक है देखो माइनस आ 7 इधर चला जाऊगा माइनस आ ए इधर चला जाऊगा 14 इक्वल टू ए प्लस बी आ गया ये थोड़ी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है सिमिलरली बी माइनस 7 इक्वल किंदे होगा 23 माइनस बी सैकेंड चो तुसी फर्स्ट माइनस कर दे थर्ड चो सैकेंड माइनस कर दो डिफरेंस सेम आऊगा। सिमिलरली थर्ड टर्म चो सैकेंड टर्म माइनस करो फोर्थ चो थर्ड माइनस करो कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम आऊगा ना बी माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस बी। देखो माइनस आ बी इधर जाके क्या जूगा पॉजिटिव माइनस आ 7 इधर आके क्या जूगा पॉजिटिव 2b इक्वल टू 30। देखो बी दी वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है दैन थोनू ये पता है फोर माइ फोर्थ चो थर्ड माइनस करोगे फिफ्थ चो फोर्थ माइनस करोगे तो फिर कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम 23 चो बी माइनस करो सी माइनस 23 करो। ठीक है तुसी बी दी वैल्यू तो फाइंड कर ही लेती 15 पुट कर दो
23 चो 15 माइनस करूँगे 8, सी माइनस 23 दे इक्वल आ गया। देखो माइनस का 23 लेफ्ट हैंड साइड जाके की बन जूगा पॉजिटिव, 31 किंदी वैल्यू आ गई सी दी। देखो सी दी वैल्यू फाइंड करनी सी, बी दी वैल्यू फाइंड करनी सी, बी दी वैल्यू फर्स्ट चो पुट कर दोगे तो ए दी वैल्यू आ जूगी प्लस दफ 15 इधर जाके कि बन जूगा माइनस 15 माइनस 1 इक्वल टू ए। ए बी सी ही फाइंड करना सी, ए दी वैल्यू माइनस 1, बी दी वैल्यू 15, सी दी वैल्यू 31। देखो फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ए पी इज माइनस 3 एंड 4, फर्स्ट टर्म माइनस 3 देती, सेकंड टर्म 4 दे इक्वल है, देन फाइंड की करना 21st टर्म। देखो ए दी ए पी दी फर्स्ट टर्म की होगी यानी कि ए दी वैल्यू माइनस 3, ठीक है ए पी दी फर्स्ट टर्म की होगी माइनस 3, डी के मैं फाइंड करूँगे सेकंड जो फर्स्ट टर्म की कर दूँगे माइनस, ट्वेंटी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, ट्वेंटी फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला की लगूगा ए प्लस 20 डी, ठीक है ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 21 डी सॉरी 20 डी, ठीक है बस ये ध्यान रखा करो अगर इतने 21 है तो इतने 20 होगा, अगर 22 है तो इतने 21 होगा, 23 है तो 22 होगा, ठीक है ना। ए की वैल्यू कितनी आई है थोड़े को माइनस 3 प्लस 20 डी, डी की वैल्यू कितनी है 7, माइनस 3 प्लस 140 माइनस कर दिए 137 आ गया। देखो टेंथ टर्म ऑफ ए पी इज माइनस 4, 22nd टर्म इज माइनस 16, फाइंड 38th टर्म। देखो टेंथ टर्म गिवन है माइनस 4, 22nd टर्म गिवन है माइनस 16, फाइंड की करनी है 38th टर्म। देखो ए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 90 फर्स्ट टर्म सॉरी फर्स्ट इक्वेशन, 22nd टर्म किंदे इक्वल दी है माइनस 16 दे, ए प्लस 21 इंटू डी किंदे इक्वल हो जाएगा माइनस 16 दे। दो इक्वेशंस बन गया, दोनों नु सॉल्व करो। देखो फर्स्ट ते सेकंड इक्वेशंस आ गया, इन्हें सॉल्व कर दो सबट्रैक्ट कर दो, ए प्लस 90 इक्वल टू माइनस 4, ए प्लस 21 इंटू डी इक्वल टू माइनस 16, साइन चेंज करोगे प्लस से तो माइनस, प्लस से तो माइनस, माइनस से तो प्लस, दिस वन कैंसिल आउट। देखो आ साइन, देखो आ साइन से छोड़ दो, प्लस माइनस माइनस, 21 जो 9 माइनस करोगे कितना आ जूगा 11 डी, सॉरी 21 जो 9 माइनस करोगे तो 12 डी, ठीक है साइन नेगेटिव था। देखो प्लस माइनस माइनस 21 डी जो 9 डी माइनस कितना था कितना है माइनस 12 डी, माइनस 4 प्लस 16 प्लस 12 डी इक्वल टू की बन जूगा 12 बाय माइनस 12। देखो डी की वैल्यू कितनी आ गई बन माइनस 1, ठीक है डी किन इक्वल हो गया माइनस 1 दे। देखो डी की वैल्यू माइनस 1 फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो, ए प्लस 9 डी इक्वल टू माइनस 4 है, डी की वैल्यू तुसी पुट करनी है माइनस 1, ए प्लस माइनस माइनस 9 इक्वल टू माइनस 4। देखो ए इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9, ए दी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। देखो ए दी वैल्यू तो डी दी वैल्यू ही चाहिए सी, क्यों आप 38th टर्म फाइंड करनी है, 38th टर्म च की लगाऊंगे ए प्लस 27 डी, ए दी वैल्यू कितनी आई है 5, डी दी वैल्यू कितनी आई है माइनस 1, पुट कर दो ए दी वैल्यू 5 डी दी वैल्यू माइनस 1, 5 प्लस माइनस माइनस 37 इंटू 1 37। देखो प्लस माइनस माइनस थोड़ी 38th टर्म किंदे इक्वल आ जूगी माइनस 20 माइनस 32 दे, ठीक है। देखो फोर्थ टर्म ऑफ ए पी 0, केंद्र फोर्थ टर्म किंदे इक्वल है 0 दे, केंद्र प्रूव करो 25th टर्म है ना ए पी दी इज 3 टाइम्स है इट्स 11th टर्म, फोर्थ टर्म किंदे इक्वल है 0 दे यानी कि ए प्लस 3d किंदे इक्वल है 0 दे, ठीक है केंद्र 25th टर्म नो प्रूव करना है किंदे इक्वल है 3 टाइम्स है 11th टर्म, 25th टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। देखो पहला लेफ्ट हैंड साइड
25th, यानी कि a प्लस 24d आजूगा। देखो तो a की वैल्यू फाइंड कर लो, प्लस का 3d इधर आके के जुगा माइनस 3d, ठीक है। a की वैल्यू माइनस 3d इतने पुट कर दो यूजिंग 1, ए दी वैल्यू पुट कर दोगे प्लस माइनस माइनस, देखो किंदे इक्वल आ गया 24 माइनस करोगे 3d, ठीक है। 24d चो 3d माइनस करोगे 21d, एक किंदे इक्वल प्रूव करना है, 3 times 11th term राइट हैंड साइड, 3 times 11th term 3 into a plus 10d। देखो ए दी वैल्यू की है थोड़े को माइनस 3d यूजिंग फर्स्ट, अगेन यूजिंग फर्स्ट ए दी वैल्यू पुट कर दो माइनस 3d प्लस 10d, 10d माइनस 3d 7d, 3 into 7d कितना होता है 21d। देखो लेफ्ट हैंड साइड कितने इक्वल आ गई राइट हैंड साइड दे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड भी 21d है, राइट हैंड साइड भी 21d है। देखो 23rd ऑफ टर्म ऑफ AP एक्सीड द 5th टर्म बाय 16, कहते 23rd टर्म है ना जी AP दी, एक्सीड का मतलब कहते ज़्यादा, ठीक है। 15th टर्म तो किन्ने ज़्यादा है 16, 23rd टर्म ऑफ AP एक्सीड द 15th टर्म बाय 16, 23rd टर्म 15th टर्म तो किन्ना एक्सीड है किन्ने ज़्यादा है 16 दे, ठीक है। 23rd टर्म 15th टर्म तो किन्ना एक्सीड है 16, ठीक है। कि 23rd टर्म है ना जड़ी वो 15th टर्म जड़ी आऊगी ना उन्दे तो किन्नी ज़्यादा होगी 16, ठीक है। कहते दैन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, अपा की फाइंड करना, एक तो फस्ट टर्म एक डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। केंद्र गिवन की है 5th टर्म इज 18, 5th टर्म केंद्र इक्वल दिखती भी है 18 दे, ठीक है। 5th टर्म इक्वल टू 18, देखो दो कंडीशन देती हैं दोनों, दोनों यूज करो फर्स्ट कंडीशन से सेकंड कंडीशन। 23rd टर्म नु के लिख लोगे a प्लस 22d, 15th टर्म नु के लिख लोगे a प्लस 14d प्लस 16। देखो तुसी a या d दी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इतों अब प्लस दे दोनों इधर आके के जन के नेगेटिव दे, दिस वन कैंसिल आउट, 22d माइनस 14d करोगे कितना आ जूगा थोड़े को 8d इक्वल टू 16। d दी वैल्यू फाइंड कर लोगे तुसी 2, ठीक है। 16 by 8 कितना आ जूगा 2। देखो 5th टर्म भी गिवन है a प्लस 4d इक्वल टू 18, d दी वैल्यू तुसी फाइंड कर ली, अंदर पुट कर दो a प्लस 4 into 2 इक्वल टू 18, a प्लस 8 इक्वल टू 18, प्लस दा 8 इधर आके की जगह माइनस दा 18 माइनस a 8 10, यानी कि a दी वैल्यू कितनी इक्वल आ जाएगी 10 दे। देखो a प्लस 4d इक्वल टू 18, d दी वैल्यू 2 पुट करोगे, 4 into 2 8, प्लस दा 8 इधर आके की जगह माइनस दा a इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। तुसी a फाइंड करना सी, फर्स्ट टर्म क्या सी ना, फाइंड करो एक कॉमन डिफरेंस क्या सी फाइंड करो, a 10 आ गया d 2 आ गया। इफ सैकेंड टर्म ऑफ AP इज 13, सैकेंड टर्म AP की किन्दे इक्वल दी हुई है 13 दे, डिफरेंस ऑफ द 4th टर्म फ्रॉम 8th टर्म इज 16। देखो डिफरेंस ऑफ द 4th टर्म फ्रॉम द 8th टर्म इज 16, यानी कि 8th टर्म जो अगर तुसी 4th टर्म माइनस कर दे हो ना तो किन्दे इक्वल है 16 दे। दोबारा देखो की है डिफरेंस ऑफ 4th टर्म फ्रॉम 8th टर्म, कि 4th टर्म का डिफरेंस किन्दे ना तो 8th टर्म तो किन्दे इक्वल है 16 दे। दैन फाइंड AP फाइंड करनी है, AP लई थोनू एक ता A ते D चाहिए, ठीक है ना, यानी कि पहला तुसी A ते D फाइंड करो, फिर अपने कोल AP ता पता ही है कि होंदी है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D सो ऑन अप टू, इन्हां विच तुसी की कर दोगे वैल्यू पुट। देखो पहला गिवन है सैकेंड टर्म,
सेकेंड टर्म गिवन है 13 इक्वल, यानी कि ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू गिवन है 13 दे, यानी कि ए प्लस डी किन इक्वल आ गया 13, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर इन्होंने क्या हैगा एट्थ टर्म चो फोर्थ टर्म, ए टर्म चो फोर्थ टर्म माइनस करके किन इक्वल आंदा 16 दे। देखो डिफरेंस का मतलब कि माइनस करना, ठीक है, फोर्थ टर्म का डिफरेंस फ्रॉम द एट्थ टर्म, यानी कि एट्थ टर्म चो अगर तुसी फोर्थ टर्म माइनस कर दें तो कहते इक्वल आंदा 16 दे। देखो एट्थ टर्म का फॉर्मूला लगा दो ए प्लस 7d माइनस फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगा दो ए प्लस 3d इक्वल टू 16। ए प्लस 7d माइनस ए माइनस 3d इक्वल टू 16। ए कैंसल, 7d चो 3d माइनस करोगे 4d इक्वल टू 16। देखो d की वैल्यू कितनी आ रही है 16/4, डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखो उन्होंने क्या एपी फाइंड करो, एपी वास्ते डी तो ए चाहिए, थोड़े को डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू अंदर पुट करो, फस्ट इक्वेशन डी की वैल्यू पुट कर दो, डी की वैल्यू कितनी है 4, 17 माइनस 4 ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। देखो एपी फाइंड करनी है, एपी की होंगी है ए प्लस डी, फर्स्ट टर्म ए होंगी है, सैकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, सोन अप टू, ठीक है, ए तो डी की वैल्यू पुट कर दो, ए 9 है, ए 9 डी 4, ए वैल्यू 9 डी की वैल्यू 4, 9 13 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 9 17, सोन अप टू 4। वट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ टू ए पीस दिस एंड दिस आर इक्वल, कहते एन की कि वैल्यू वास्ते, ठीक है ना, 4 वट वैल्यू ऑफ एन यानी कि एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एनथ टर्म ऑफ टू ए पीस दिस एंड दिस इक्वल। देखो ए भी ए पी है, ए भी ए पी है, कहते एन की एनथ टर्म तो एन की एन टर्म इक्वल है, तुम एन की वैल्यू फाइंड करो। देखो टू ए पीस गिवन है, एक ए पी ए, एक ए पी ए है, कहते एन की एन टर्म तो एन की एन टर्म इक्वल रखो तो एन की वैल्यू फाइंड करो। देखो ए की होगा 63, डी सैकेंड टर्म चो फस्ट टर्म की कर दो माइनस, डी कहते इक्वल आ गया 2 से, एन टर्म की बनूगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो एन टर्म की होंगी है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए तो डी की वैल्यू पुट कर दो, ए की 63 है, डी की वैल्यू 2 है, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, 63 प्लस 2 एन माइनस 2, 63 माइनस 2 करोगे तो 61 प्लस 2 एन, ठीक है। हूँ सैकेंड ए पी दी फस्ट टर्म की है, ए किन्ना 3, डी किमें फाइंड करोगे, सैकेंड टर्म चो फस्ट टर्म की कर दो माइनस, डी किन्ना आ गया 7। हूँ एन टर्म फाइंड करनी है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए किन्ना 3 तो डी किन्ना 7 पुट करो, ए 3 डी 7, 7 इंटू एन 7 एन माइनस 1 इंटू 7 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7 एन। देखो इन्होंने की क्या दोनों ए पी की जी एनथ टर्म है ना, ए फस्ट टर्म, फस्ट ए पी की एनथ टर्म है, ए सैकेंड ए पी की एन टर्म है, दोनों की रखना है इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस इक्वल टू दिस 61 प्लस 2n इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। देखो n की वैल्यू फाइंड करनी है, n वाले सारे एक साइड रख लोगे, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म विदाउट n एक साइड रख लोगे। देखो 7n प्लस इधर आके क्या जुगा माइनस का 2n माइनस 7n किंतु इक्वल है माइनस 4। देखो 61 प्लस इधर आके क्या जुगा माइनस, प्लस माइनस 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 प्लस, दिस वन कैंसल, n इक्वल टू, देखो 5 मल्टीप्लाई चाहता इधर आके क्यों डिवाइड 65 नू, अगर 5 डिवाइड करता था 13 एन दी वैल्यू आ गई, ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की है, द सेवनटीन्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज फाइव मोर दैन ट्वाइस इट्स एट्थ टर्म। कहिंदे जिहड़ी सेवनटीन्थ टर्म है ना वह एट्थ टर्म दे ट्वाइस दा फाइव की है मोर है। कहिंदे इफ इलेवन टर्म ऑफ ए पी इज 43 फाइंड इट्स एनथ टर्म, एन टर्म फाइंड करनी है। देखो गिवन की है, कहिंदे जिहड़ी सेवनटीन्थ टर्म है, ठीक है, सेवनटीन टर्म फाइव मोर यानी कि एक्सीड है, ठीक है, फाइव ज़्यादा है किंदे नालों ट्वाइस दा एट्थ टर्म। सेवनटीन टर्म फाइव मोर दैन है किंदे नालों ट्वाइस दा एट्थ टर्म, ठीक है, यानी कि तुहानू गिवन है ए प्लस 16d इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए प्लस 7d प्लस 5। देखो ए प्लस 16d इक्वल टू टू इंटू ए प्लस टू इंटू 7d 14d प्लस 5 प्लस का 2a इधर आके नैगटिव हो जूगा प्लस का 14d इधर आके नैगटिव हो जूगा इक्वल टू 5 प्लस माइनस माइनस 16d चो 14d की दिखा टू माइनस किया 2d इक्वल टू 5, ठीक है, थोड़ी फस्ट इक्वेशन बन गई। हुण देखो सैकेंड कंडीशन की दी है इन्होंने, कहिंदे इलेवंथ टर्म ऑफ ए पी इज 43, इलेवंथ टर्म किंदे इक्वल दिती है 43 दे, ए प्लस 10d किंदे इक्वल है 43, ठीक है, इतने फॉर्मूला अप्लाई करता ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 43, ए प्लस 10d इक्वल टू 43। दोनों इक्वेशनस नू सोल्व कर दो, देखो इधर ए नैगेटिव है इधर ए पॉजिटिव है, दोनों की कर दिया करो एड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट की गिवन है देख लो माइनस ए प्लस 2d इक्वल टू 5, सेकंड है ए प्लस 10d इक्वल टू 43, माइनस प्लस कैंसल 2d प्लस 10d 12d इक्वल टू 48, ठीक है, इन्हों ऐड करता डी इक्वल टू कि आ जूगा 48/12 कैंसल आउट कर दो 4, डी दी वैल्यू 4 आ गई, फर्स्ट इक्वेशन च पुट कर दो डी दी वैल्यू, अंदर च पुट करो ए माइनस ए प्लस 2d इक्वल टू 5 है, डी दी वैल्यू पुट करो 4, 2 × 4 = 8, प्लस दा 8 इधर आके कि जो माइनस दा 8, माइनस ए माइनस 3 कैंसल आउट हो गया कि आ गया ए इक्वल टू 3, ठीक है, ए दी वैल्यू भी आ गई डी दी वैल्यू भी आ गई। उन्होंने फाइंड करन नू की किया गा फाइंड दी एनथ टर्म, ठीक है, देखो एन टर्म का फॉर्मूला अपने पता है कि होंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तुसी ए ते डी दी वैल्यू फाइंड कर ही चुके हो, ए ते डी दी वैल्यू दोनों पुट कर दो, ए 3 हो गया डी 4, फोर एन माइनस 4, 4n प्लस 3 माइनस 4 कि जो माइनस 4 माइनस 1 सॉरी, तो इन्हें टर्म कहते इक्वल आ गई 4n माइनस 1 दे, ठीक है। 4 वट वैल्यू ऑफ k, 2k माइनस 7 के प्लस 5 3k प्लस 2 आर 3 कंजीक्यूटिव टर्म्स ऑफ ap। देखो ap दी तीन टर्म्स दे रखी है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ते थर्ड टर्म, कहते k दी वैल्यू फाइंड करो। देखो मैं थोनू की क्या गा ap च अपने कोल की होंगे कॉमन डिफरेंस की होंगे टर्म्स का सेम होंगे, यानी कि सैकेंड चो फस्ट माइनस करोगे थर्ड चो सैकेंड टर्म माइनस करोगे दोनों का जोड़ा डिफरेंस है वह की आऊगा सेम आऊगा, ठीक है ना, सैकेंड चो फस्ट माइनस करो थर्ड टर्म चो सैकेंड टर्म माइनस करो दोनों का जोड़ा माइनस होगा वह की होगा इक्वल। देखो फस्ट टर्म 2k माइनस 7 सैकेंड टर्म के प्लस 5 थर्ड टर्म सी के प्लस 2, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, ठीक है, सेकेंड चो फर्स्ट टर्म की करो माइनस
के प्लस फाइव जो माइनस की करें टू के माइनस सैवन। थर्ड टर्म चो सैकेंड टर्म माइनस करो, इन्हों का जोड़ा कॉमन डिफरेंस होंगे इक्वल होंगे ना, देखो ए टू माइनस ए वन किन्दे इक्वल होंगे ए थ्री माइनस ए टू के, ठीक है इक्वल रखता। सोल्व कर दो के वैल्यू आ जाऊगी माइनस टू के प्लस सैवन, थ्री के प्लस टू, माइनस के माइनस फाइव। ठीक है देखो माइनस ना जो अंदर मल्टीप्लाई करते ना साइन चेंज हो जाते, ठीक है प्लस के माइनस टू के माइनस के, फाइव प्लस सैवन ट्वेल्व, थ्री के माइनस के टू के, टू माइनस फाइव माइनस थ्री। देखो प्लस का टू के इधर आके की जुगा माइनस आ के, प्लस का ट्वेल्व इधर आके नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, दिस वन कैंसल आउट, के इक्वल टू फिफ्टीन बाय थ्री। के दी वैल्यू कितनी आ गई फाइव, ठीक है के दी वैल्यू ही फाइंड करनी सी। देखो इफ पीथ टर्म ऑफ ए पी इज क्यू, क्यूथ टर्म इज पी, पीथ टर्म तो कहते कहते इक्वल है क्यूथ टर्म दे, क्यूथ टर्म कहते इक्वल है पी दे, कहते दैन प्रूव दैट एनथ टर्म कहते इक्वल है पी प्लस क्यू माइनस एन दे। ठीक है पीथ टर्म कहते इक्वल है क्यू दे, क्यूथ टर्म कहते इक्वल है पी दे, दैन प्रूव करना एनथ टर्म इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस एन। ठीक है देखो गिवन की है कि पीथ टर्म कहते इक्वल है क्यू दे, ए पी दी टर्म्स है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू, ये थोड़ी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है फिर क्यूथ टर्म किन्दे इक्वल है पी दे, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी, ये थोड़ी सैकेंड इक्वेशन बन गई। इन्होंने एनथ टर्म फाइंड करने को क्या, देखो एनथ टर्म फाइंड करनी है तो थोड़े को ए ते डी होना जरूरी है। ठीक है ना ये दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन की कर दो सॉल्व, ए प्लस पी इंटू डी पी डी माइनस वन इंटू डी माइनस डी इक्वल टू क्यू। सैकेंड थोड़े को इक्वेशन है ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू पी, देखो सबट्रैक्टिंग कर दो, अगर दोन ए दे दोनों साइन सेम हो प्लस प्लस है, ठीक है तो सबट्रैक्ट कर दिया करो, एक पॉजिटिव एक नैगेटिव हो एडिंग कर दिया करो, साइन चेंज प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दिस वन कैंसल, देखो प्लस माइनस कैंसल, माइनस प्लस कैंसल। ठीक है ना पी इंटू डी माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू किन्दे आ गया क्यू माइनस पी दे। ठीक है ये ध्यान रखियो कि जो तुम इतना प्लस तो माइनस कर देने तो साइन बदल जाता है किन्दे च माइनस, तो तुम ये साइन नहीं यूज़ करोगे, ये साइन यूज़ करना। ठीक है देखो टेकिंग कॉमन डी पी माइनस क्यू, देखो तो क्यू माइनस पी है, टेकिंग कॉमन माइनस वन पी माइनस के हो जूगा, देखो जो आप कॉमन माइनस लवेंगे, ठीक है माइनस में कॉमन लेना तो माइनस पी तो प्लस पी हो जूगा, प्लस क्यू माइनस के हो जूगा, दिस वन कैंसल क्यू। ठीक है डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन, देखो डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन अगर पुट कर दिए थे तो थोड़े को वैल्यू आ जूगी, देखो डी की वैल्यू कितनी आई है माइनस वन फर्स्ट इक्वेशन इतने पुट कर दो, देखो माइनस वन इंटू पी माइनस पी, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन इक्वल टू क्यू, माइनस का पी इधर आके की होजूगा प्लस का पी, प्लस का वन इधर आके कि ना जो माइनस वन। ठीक है देखो डी की वैल्यू पुट की माइनस वन, माइनस वन की पी नाल माइनस वन की माइनस वन मल्टीप्लाई करके, ठीक है माइनस पी प्लस वन आ गया सी इक्वल टू क्यू तो है ही, तुम ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस का पी राइट हैंड साइड ला जाओ, प्लस का वन राइट हैंड साइड ला जाओ, माइनस का पी प्लस वन हो जूगा, प्लस का वन माइनस वन हो जूगा, थोड़े को ए की वैल्यू आ गई। इन्होंने एनथ टर्म फाइंड करने को क्या, एनथ टर्म का फॉर्मूला की हो जूगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देखो ए की वैल्यू फाइंड की है इतने पुट कर दो, क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है माइनस वन, देखो माइनस वन इंटू एन माइनस एन माइनस माइनस प्लस वन, वन वन की हो जूगा कैंसल, क्यू प्लस पी माइनस एन, देखो एनथ टर्म में ही प्रूव करनी सी ना क्यू प्लस पी माइनस एन, क्यू प्लस पी माइनस एन, क्लियर। देखो हम इन्होंने की क्या डिटरमाइन द फिफ्टींथ टर्म फ्रॉम द एंड इन द आई पी, देखो फ्रॉम द एंड का मतलब क्या है, जी लास्ट वाली टर्म होगी ना थोड़ी
वो फर्स्ट टर्म बन जूगी। ठीक है, क्लियर। इधरों देखो फर्स्ट टर्म 9, 14, 19, 24 है, बट फ्रॉम दी एंड क्या होवे तो फर्स्ट टर्म थोड़ी कितनी हो जूगी 154। ठीक है, देखो गिवन की है 9, 14, 19, 24, 7 अप टू 154। देखो फ्रॉम दी एंड क्या है, टर्म लिखना शुरू कर दो। देखो इधरों 5 5 की हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इधरों 5 की होगा लेस हो जूगा, यानी कि 154 तो पहला वाली टर्म थोड़ी की होगी 149। ठीक है, 7 अप टू इस तरह चलूगा। ठीक है, देखो हूँ थोड़ा ए की बन जूगा, डी की बन जूगा 149 जो 154 की कर दूंगे माइनस। देखो इधरों तो जो आप शुरू तो देखते हैं ए 9, डी कि आ जूगा 14 माइनस 9 5, बट जो तुम फ्रॉम दी एंड कह देंगे ना तो फिर तुम्हें ध्यान रखना है कि थोड़ी ये फस्ट टर्म बन जूगी। ठीक है ना, फस्ट टर्म 154 है। इधरों देखो डिफरेंस किन्ने किन्ने का जा रहा है, 5 5 का। देखो इधरों 5 अगर इनक्रीज़ हो रहा है तो इधरों 5 की हो जूगा, डिक्रीज़ हो जूगा ना। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट टर्म 154 होगी, सेकेंड टर्म कितनी हो जूगी 5 डिक्रीज़ कर दो 149, यानी कि कॉमन डिफरेंस थोड़ा की हो जूगा 149 जो 154 माइनस करोगे तो -5। नहीं तो इस तरह ध्यान रख लिया करो, इधरों देखो डिफरेंस किन्ने दा रहा है 5 का, तो इधरों डिफरेंस किन्ना होगा -5 का। टर्म केड़ी फाइंड करनी है, तो 15th ए प्लस 14 डी, ए दी वैल्यू किन्नी होगी थोड़ी 154, 14 डी, डी दी वैल्यू किन्नी होगी -5। माइनस कर दोगे 84 आंसर। विच टर्म ऑफ ए पी इज 105 मोर दैन इज 25th टर्म। देखो कहते एस ए पी की कि टर्म होगी, विच टर्म का मतलब कि टर्म होगी जी 105 मोर दैन है किन्दे नालो इनकी 25th टर्म नालो। ठीक है, देखो विच टर्म ऑफ ए पी 6, 13, 20, 27 ये अपने ए पी देती कहते इनकी कि टर्म होगी जी 105 मोर दैन होगी इनकी 25th टर्म नालो। देखो तुम तो नहीं पता ना 6th टर्म होगी कि 7th टर्म होगी कि 10th टर्म होगी कि 15th टर्म होगी, इस करके आप रखा कि nth टर्म रखा। ठीक है ना, nth टर्म रखा जी 105 मोर दैन होगी इट्स 25th टर्म। 25th टर्म तो कितनी ज़्यादा होगी 105। क्लीयर, देखो जी ए पी गिवन है 6, 13, 20, 27, 7 अप टू, ए तक की हो गया 6, डी कि हो गया 13 माइनस 6 करोगे तो कि आ जाएगा 7। ठीक है, इन्होंने क्या विच टर्म यानी कि nth टर्म। ठीक है ना, क्योंकि तो उन्होंने नहीं पता वो टर्म 10th ते आऊगी कि 15th ते आऊगी कि 20th ते आऊगी। ठीक है ना, कि 22nd टर्म होगी। विच टर्म इज़ 105 मोर दैन इट्स 25th टर्म। 25th टर्म तो किन्नी ज़्यादा है, किन्नी मोर दैन है 105। ठीक है, देखो यानी कि तुम विच टर्म कहता तो एन फाइंड करना है। क्लीयर, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ए प्लस 25 माइनस वन इन टू डी प्लस 105। ए किन्ना देखो 6, एन माइनस वन इंटू डी, डी किन्ने 7, ए 6, 24 डी, डी की वैल्यू किन्नी 7 प्लस 105, 6 प्लस 7 एंड -7, 6 प्लस देखो 4 नाल 24 दी 7 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 168 आ जूगा प्लस 105। देखो प्लस दो 6 इधर आके माइनस आ 6 होगा ना, इन्हों प्लस कर दो 6 माइनस प्लस कैंसल हो जूगा 7 एन, देखो माइनस 7 इधर आके की जूगा पॉजिटिव 7 एन इक्वल टू किन्दे आ गया 280 दे, डिवाइड करोगे 280 बाय 7, 40th टर्म होगी इनकी वैल्यू कितनी आ गई 40, यानी कि 40th टर्म होगी जी इनकी 25th टर्म तो कितनी ज़्यादा होगी 105। क्लियर, देखो उन्हें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी, देखो ए पी दी एन टर्म्स का की फाइंड करना है सम।
ठीक है देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, सोन अप टू एन एथ टर्म दिती हुई है, यानी कि एन टर्म्स गिवन है, इन्हों का सम फाइंड करना तुसी। तो देखो एस एन का फॉर्मूला की होंगे, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो एक तो ए फॉर्मूला ध्यान से रखियो, अनदर फॉर्मूला है एन बाय टू फस्ट प्लस लास्ट। देखो एल की होंगी है लास्ट टर्म कह दो, एनथ टर्म कह दो, ठीक है ना, एक कोई गल है। देखो इस फॉर्मूले तो ही ये फॉर्मूला बने है, किमें बने है? देखो एस एन इक्वल टू एन बाय टू इंटू ए प्लस एल, ठीक है। एल की होंगे ए एन ही होंगे, ए एन की वैल्यू थोनों दसी सी की होंगी है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इतने पुट कर दो। एस एन कितने इक्वल होगा एन बाय टू ए प्लस एल, एल की वैल्यू कितनी है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो एस एन का फॉर्मूला एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो एस एन का फॉर्मूला एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। कि इस फॉर्मूले तो ही तुसी इस फॉर्मूले नू जनरेट कर सकते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द फस्ट ट्वेंटी ओड नैचुरल नंबर, देखो सम फाइंड करना है, सम ऑफ फस्ट ट्वेंटी ओड नंबर। देखो ओड नंबर के होंगे वन थ्री फाइव, ठीक है, यानी कि फस्ट ट्वेंटी का कहता तो एन की वैल्यू कितनी होगी ट्वेंटी। देखो ओड नंबर की फस्ट टर्म की होगी ए वन, सैकेंड टर्म थ्री है, थ्री चो वन माइनस करोगे तो थोड़े कॉमन डिफरेंस कि आ गया टू। तुसी एस एन फाइंड करना, एस एन का फॉर्मूला लगा दो एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो एन गिवन है ट्वेंटी, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी ओड नंबर्स के ना, यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी ट्वेंटी, ठीक है। ट्वेंटी बाय टू इंटू टू ए, ए की वैल्यू कितनी वन, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी टू, दिस वन कैंसल, टेन इंटू टू प्लस, देखो इतने भी एन की वैल्यू पुट करो ट्वेंटी, ठीक है, ट्वेंटी माइनस वन नाइनटीन इंटू टू, ठीक है, जिते इतने एन है उत्थे की पुट करना ट्वेंटी 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 तो ट्वेंटी, ठीक है, नाइनटीन इंटू टू थर्टी एट, थर्टी एट प्लस टू फोर्टी, हंड्रड इंटू फोर्टी किन्ना बन जूगा फोर हंड्रड। देखो सम ऑफ फस्ट फाइव मल्टीपल ऑफ थ्री, देखो मल्टीपल ऑफ थ्री केड़े होंगे, थ्री का टेबल थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन, फस्ट फाइव क्या है ना वन टू थ्री फोर फाइव, कहते इन्हों का सम फाइंड करो। देखो ए पी बन रही है ना, क्योंकि इन्हों डिफरेंस किन्ने का थ्री थ्री का, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव टर्म्स है, फाइव टर्म्स का सम फाइंड करना है। देखो ए तो की हो गया थ्री, डी भी की हो गया सिक्स माइनस थ्री थ्री, थोड़े को ए की वैल्यू भी है डी की वैल्यू भी है, एस फाइव फाइंड करना है। एस फाइव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फाइव बाय टू, यानी कि एस एन का फॉर्मूला क्या होंगे एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू कितनी है फाइव, फाइव बाय टू इंटू टू ए, ए की वैल्यू कितनी है थ्री प्लस एन माइनस वन, एन कितना फाइव, फाइव माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है थ्री, बस वैल्यूज पुट करनी है, फाइव बाय टू इंटू सिक्स प्लस, देखो फाइव माइनस वन फोर, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, फाइव बाय टू इंटू सिक्स प्लस ट्वेल्व एटीन, कैंसल आउट करोगे फाइव इंटू नाइन फोर्टी फाइव, ठीक है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ थ्री इज फोर्टी फाइव। देखियो
सम ऑफ एन टर्म्स द मतलब की है एस एन किंद इक्वल होगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ठीक है, देखो एस वन का मतलब क्या होगा, ओनली सम ऑफ वन टर्म, यानी कि एस वन ही ए वन होता है। ठीक है, अगर तुसी एस टू देखते हो तो ना मतलब कि टू टर्म्स का सम, यानी कि ए वन प्लस ए टू। अगर तुसी एस एन लिख थ्री लिखते हो सॉरी, तो इट मीनस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। एस फोर का मीनिंग क्या होगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर, यानी कि अगर एस फोर है तो इसका मतलब क्या होगा, फोर टर्म्स का सम है। एस थ्री है तो इसका मतलब की है, थ्री टर्म्स का सम है। एस टू है तो मतलब टू टर्म्स का सम है। एस वन है तो इसका मतलब कि वन टर्म। ठीक है ना, यानी कि एस वन किन इक्वल होता है ए वन से। क्लीयर, देखो एग्जाम्पल की है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी इज एन स्क्वायर, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी इज एन स्क्वायर दैन फाइंड इट्स टेंथ टर्म। केड़ी टर्म फाइंड करनी, टेंथ। देखो सम ऑफ एन टर्म्स एन स्क्वायर है, तुसी एनथ टर्म फाइंड करनी है। एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखो हमने मैं तुम्हें दसिया कि एस वन ही ए वन होता है, यानी कि वन दी स्क्वायर वन। एस टू की होता ए वन प्लस ए टू, एन की जगह अगर टू पुट कर दो तो थोड़े को आ जाओ टू दी स्क्वायर फोर, यानी कि एस टू किन इक्वल होंगे ए वन प्लस ए टू, यानी कि ए वन प्लस ए टू थोड़ा की आ गया फोर। ठीक है, देखो ए वन भी हैगा थोड़े को, ए वन प्लस ए टू भी हैगा। ठीक है, तो तुसी ए वन की वैल्यू अगर इन्हें पुट कर दो, एस वन ही ए वन होंगे ना, ए वन की वैल्यू वन पुट कर दो तो थोड़े को वैल्यू आ जूगी ए टू की। दोबारा सुनो कि होंगे, देखो एस एन का मतलब कि सम ऑफ एन टर्म्स, तुसी एन की वैल्यू वन पुट करोगे तो थोड़े को एस वन आऊगा, एस वन ही ए वन होंगे, तो तुसी इतने एन की वैल्यू वन पुट की, वन दी स्क्वेयर वन, यानी कि एस वन आ गया वन, यानी कि ए वन भी वन ही आ गया। ठीक है, एस टू का मतलब क्या होंगे कि एन की जगह पर टू पुट करना है, टू दी स्क्वेयर फोर हो जूगा। बट मैं थोड़ा एस टू का मीनिंग की दसिया कि ए वन प्लस ए टू, टू टर्म्स का सम। ठीक है, यानी कि ए वन प्लस ए टू किन इक्वल आ गया फोर दे। देखो ए वन की वैल्यू तुम वन पुट कर दो, प्लस ए टू इक्वल टू फोर, प्लस वन इधर आके क्या हो जूगा माइनस आ। ठीक है, ए वन की जो वैल्यू पुट की वन, ठीक है, प्लस का वन इधर आके नैगेटिव हो गया, ए टू किन्हें इक्वल आ गया थ्री दे। देखो थोड़े को फस्ट टर्म भी आ गई तो सैकेंड टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस देख लो किन्ने किन्ने का, टू का, तो अगली टर्म फाइव आ जूगी, अगली टर्म सैवन आ जूगी। बट थोनू तो की चाहिए, एक तो ए चाहिए है, देखो ए की हो गया वन, डी की हो जूगा सैकेंड टर्म चो फस्ट टर्म की कर दो माइनस। तुसी एन टर्म फाइंड करनी है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इतने ए तो डी की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू किन्नी है वन, डी की वैल्यू किन्नी है टू, वन प्लस टू एन माइनस टू, टू एन प्लस वन माइनस टू माइनस वन, ए एन किन्दे इक्वल आ गया टू एन माइनस वन। क्लीयर, देखो इन्होंने क्या टेंथ टर्म फाइंड करो, टेंथ टर्म फाइंड करने तो ए प्लस टेन माइनस वन इंटू डी लगा दियो, ए प्लस नाइन डी, ए की वैल्यू किन्नी वन, डी की वैल्यू किन्नी टू। ठीक है, नाइन इंटू टू एटीन, वन प्लस एटीन नाइनटीन। देखो इन एन ए पी एस एन गिवन है थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन, देखो एस एन का मतलब कहता सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी किन्दे इक्वल गिवन है थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन, कहते केथ टर्म, देखो जे इतने एन लिखा होंगे तो तुम एनथ टर्म कहते, के लिखे तो मतलब कि केथ टर्म कहते इक्वल है वन सिक्सटी फोर दे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो गिवन की है एस एन, देखो एस एन गिवन है थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन, एस वन यानी कि एन की जगह पर वैल्यू पुट करो वन, थ्री इंटू वन दी स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वन, वन दी स्क्वायर वन, वन इंटू थ्री थ्री प्लस फाइव इंटू वन फाइव।
देखो एस वन का मीनिंग ही मैं थोड़ा की क्या सी ए बट हूँ क्योंकि एस वन का मतलब क्योंकि वन टर्म का सम यानी कि एक टर्म का सम फस्ट टर्म ही होगी ए वन के इक्वल आ गया ए आई ठीक है ना। एस वन ही की होंगे ए वन ठीक है। फिर एन की जगह टू पुट करो एस टू थ्री इंटू टू स्क्वेयर प्लस फाइव इंटू टू एस टू ए वन प्लस ए टू होंगे टू टर्म्स का सम भी होंगे ना टू द स्क्वेयर फोर फोर इंटू थ्री ट्वेल्व फाइव इंटू टू टेन ए वन प्लस ए टू किन्दे इक्वल आ गया ट्वेंटी टू दे ठीक है। देखो एस टू का मतलब कहता सम ऑफ टू टर्म्स बट तुम ए वन फाइंड कर लिया ना एस वन ही ए वन है ए वन कि एट इतने पुट कर दो ट्वेंटी टू प्लस द एट इधर आके जो माइनस एट कि बन जूगा फोर्टीन ए टू कि आ गया फोर्टीन। देखो फस्ट टर्म है एट सैकेंड टर्म तुम फाइंड कर लिए फोर्टीन तो डी फाइंड कर सकते हो ना फोर्टीन माइनस एट सिक्स इन्होंने केथ टर्म गिवन है किन्दे इक्वल है वन सिक्सटी फोर दे तो तुम के दी वैल्यू ही फाइंड करनी है। केथ टर्म का फॉर्मूला की लगाऊंगे ए प्लस के माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन सिक्सटी फोर ए दी वैल्यू देखो किन्नी है थोड़े को एट के माइनस वन इंटू डी डी की वैल्यू तुम फाइंड की है सिक्स इक्वल टू वन सिक्सटी फोर एट प्लस देखो सिक्स इंटू के सिक्स के माइनस वन इंटू सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू वन सिक्सटी फोर एट माइनस सिक्स टू प्लस सिक्स के इक्वल टू वन सिक्सटी फोर देखो प्लस द टू इधर आके कि जो नेगेटिव था सिक्स के इक्वल टू वन सिक्सटी फोर माइनस टू सिक्स के इक्वल टू वन सिक्सटी टू डिवाइड करोगे इनू देखो सिक्स के किन्दे इक्वल है वन सिक्सटी टू दे है के दी वैल्यू किन्नी आ जूगी वन सिक्सटी टू बाय सिक्स कैंसल आउट करूंगा इनू के दी वैल्यू किन्नी आ गई ट्वेंटी सेवन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी इज गिवन बाय थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन देखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब क्योंकि एस एन गिवन है किन्दे इक्वल है थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन फाइंड द कॉमन डिफरेंस टी फाइंड करना है ठीक है। ए पी दी ए पी का की फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस क्लियर। देखो एस एन गिवन है थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स अगेन सेम फॉर सम एन इक्वल टू वन पुट करोगे एस वन किन्दे इक्वल आ जाएगा थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वन वन दी स्क्वायर वन वन इंटू थ्री थ्री फाइव इंटू वन फाइव एस वन किन्दे इक्वल आ गया एट। एस वन का मतलब कहता सम ऑफ वन टर्म यानी कि एक टर्म का सम ए वन ही हो जूगा ना एस वन तो ए वन की होंगे सेम ठीक है। फिर एन की जगह पर पुट करो टू यानी कि एस टू किन्दे इक्वल आ जाओ इतने टू पुट करोगे टू द स्क्वायर फोर फाइव इंटू टू टू द स्क्वायर फोर फोर इंटू थ्री ट्वेल्व प्लस फाइव इंटू टू टेन ठीक है। एस टू किन्दे इक्वल आ गया ट्वेंटी टू दे तो को एस टू का मीनिंग मैं थोड़ा की क्या सम ऑफ टू टर्म्स यानी कि ए वन प्लस ए टू सम ऑफ फस्ट टू टर्म्स यानी कि ए वन प्लस ए टू ए वन एस वन है किन्दे इक्वल है एट दे इतने पुट करो ए वन की वैल्यू एट पुट करती एट प्लस ए टू इक्वल टू ट्वेंटी टू प्लस द एट इधर आके जूगा माइनस द ट्वेंटी टू माइनस एट ए टू कि आ गया फोर्टीन तुसी फाइंड की करना कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस की होंगे ए टू माइनस ए वन देखो सेकंड टर्म की आई है फोर्टीन फर्स्ट टर्म की नहीं आई है एट फोर्टीन माइनस एट करोगे सिक्स थोड़ा डी कि आ गया सिक्स। देखो ये ध्यान रखियो कि अगर थ्री टर्म्स इन ए पी क्या हो ना थ्री टर्म्स इन ए पी तो ए लैट करके चलिया करो ए माइनस डी ए तो ए प्लस डी देखो कॉमन डिफरेंस किन्ने का होंगे डी का होंगे ठीक है ना। ए तो पहला वाली टर्म की हो जूगी जो डी लैस करोगे ए माइनस डी तो इनक्रीज करोगे तो ए प्लस डी ठीक है। थ्री टर्म्स इन ए पी क्या हो माइनस डी ए तो ए प्लस डी लैके चलना है क्योंकि देखो ए पी है क्यों क्योंकि इन्हों का कॉमन डिफरेंस की होगा सेम ए चो अगर तुसी ए माइनस डी माइनस कर दो सैकेंड चो फस्ट टर्म माइनस कर देना तो देखो माइनस जो अंदर जाऊगा साइन क्यों आएंगे चेंज
दिस वन कैंसल, ठीक है। सिमिलरली दिस माइनस इस, थर्ड टर्म जो सेकंड टर्म माइनस करोगे देन एक कैंसल, कॉमन डिफरेंस डी, देखो कॉमन डिफरेंस सेम होंगे ना ना डी डी, ठीक है। तो ये ध्यान रखियो अगर थ्री टर्म्स इन ए पी के है तो तुम कई लैके चलोगे ए माइनस डी ए ए प्लस डी। देखो एग्जाम्पल देखो इनका, सम ऑफ थ्री फर्स्ट थ्री नंबर्स इन एन अर्थमैटिक प्रोग्रेशन इज 18, कहते तीन नंबर है ठीक है जेडे कहते ए पी च है उन्हों का सम कि दिता वे 18, ठीक है। मैं तुम्हें हमने कहा गा थ्री नंबरस कह दान, थ्री टर्म्स कह दान, तो की करा करो ए माइनस डी ए तो ए प्लस डी लैके चलिया करो, इनका सम कि दिता वे 18। कहते इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फस्ट एंड थर्ड, फस्ट तो थर्ड की जी प्रोडक्ट है ना कहते फाइव टाइम्स है क्या कॉमन डिफरेंस का, कहते फाइंड दी थ्री नंबर, तिने नंबर फाइंड करने हैं। देखो थ्री नंबरस इन ए पी क्या हो, थ्री नंबरस इन ए पी, ठीक है। तो की लैट कर रहा करो ए माइनस डी ए ए प्लस डी। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने की कहना, दा सम किन दे इक्वल दिता वे 18 डी, ठीक है किन दे इक्वल है 18 डी। देखो डी डी कैंसल होके थ्री ए इक्वल टू 18, ए दी वैल्यू आ गई थोड़े को 18 बाय 3, यानी कि ए दी वैल्यू कितनी आ गई 6। हूँ सैकेंड, ये तो फस्ट कंडीशन दिती सी कि थ्री नंबरस है ए पी च उन्हों का सम कि 18, तुसी ए फाइंड कर लिया, ठीक है। हूँ इन्होंने की कहा गा फस्ट तो लास्ट की जी प्रोडक्ट है ना वो फाइव टाइम्स है क्या कॉमन डिफरेंस का। देखो फस्ट ए हो गई, लास्ट नंबर ए हो गया, फस्ट तो लास्ट नंबर की जी प्रोडक्ट है, सैकेंड कंडीशन की दे रहे हैं, फस्ट तो लास्ट की जी प्रोडक्ट है वह फाइव टाइम्स है, फस्ट तो लास्ट की जी मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट है वह फाइव टाइम्स है क्या कॉमन डिफरेंस का, ठीक है। देखो ए दी वैल्यू की है 6, 6 माइनस डी 6 प्लस डी इक्वल टू 5d, फाइव टाइम्स क्या कॉमन डिफरेंस का, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 5d। देखो 6 स्क्वायर 36 माइनस डी स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू 5d। देखो माइनस डी स्क्वायर एक साइड लै जाओ सारे, माइनस का डी स्क्वायर पॉजिटिव हो जूगा प्लस 5d प्लस का 36 इधर आके के जूगा नैगेटिव का। हूँ इनू फैक्टराइज करो, देखो इनू फैक्टराइज करोगे डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 इक्वल टू 0 है, ठीक है। देखो डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 इक्वल टू 0 बन गया, तुम्हें डी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक क्वाड्रेटिक किन्दे च बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डी, तो तुम इन फैक्टराइज कर लो चाहे नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। डी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। देखो ए दी वैल्यू 1 हो चुकी, बी दी वैल्यू 5, सी दी वैल्यू माइनस 36 इन पुट कर दो, माइनस 5 प्लस माइनस 5 दी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, माइनस 5 प्लस माइनस 5 दी स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 36 144 अपॉन 2, माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169 का रूट थोड़ा पता ही क्या है 13। एक बार की कर दोगे प्लस की वैल्यू रख दोगे, एक बार नेगेटिव माइनस 5 प्लस 13 बाय 2 माइनस 5 माइनस 13 बाय 2, 13 माइनस 5 18 बाय 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 18 बाय 2 कैंसल आउट करोगे तो डी दी दो वैल्यूज आ गई 4 ते माइनस 9। देखो फाइंड की करना सीगा थ्री नंबरस, थ्री नंबर की लैके चले सी तुसी ए माइनस डी ए ते ए प्लस डी, थोड़े कोल ए दी वैल्यू भी आ चुकी है ते डी दियां दो वैल्यूज आई हैं, दो एक प्लस दी 4 ते एक माइनस दी 4। देखो ए दी वैल्यू अपनी की आई सी, ए दी वैल्यू आई सी 4 सॉरी 6। हुण आपां ए दी ते डी दी वैल्यूज इन्हां च की कर दांगे पुट,
देखो ए दी वैल्यू 6, डी दी एक तां 4 आई है, एक माइनस 9 आई है। ए माइनस डी ए ए प्लस डी थोड़े को नंबर से इन्हें वैल्यू पुट कर दो, ए दी 6 डी दी 4, ए दी 6 डी दी 4, ए दी 6 ए दी 6 डी दी 4, 2 6 10 इक्के पी आ गई। सैकेंड देखो ए दी वैल्यू तो 6 ही है, डी दी वैल्यू कितनी है माइनस 9। हुण तुसी ए दी 6 डी दी माइनस 9, ए दी 6 ए दी 6 डी दी माइनस 9, माइनस माइनस की जगह प्लस, देखो 6 प्लस 9 कितना बन जाएगा 15, 6 ते 6 माइनस 9 कितना आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, दो एपीज बन गए। देखो स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट सच दैट दीज आर इन एपी एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट इज 4623। देखो की कह देंगे, कहते 207 नू 3 पार्ट्स से डिवाइड करो, वो तिने पार्ट किन्दे च है एपी च है। ठीक है, देखो 3 नंबर्स इन एपी की क्या सी, तुहानू ए माइनस डी ए ते ए प्लस डी लैट कर लो। देखो कहते 207 नू 3 पार्ट्स से डिवाइड करो, तो यानी कि थोड़ी फस्ट टर्म सैकेंड टर्म ते थर्ड टर्म बन गई। देखो स्प्लिट का मतलब की हो गया कि 3 पार्ट्स से डिवाइड करना है, यानी कि 3 ते 3 नंबर्स का सम जड़ा होगा वो किन्दे इक्वल होगा 207 दे, डी डी कैंसल हो जूगा, 3 ए किन्दे इक्वल आ जूगा 207 दे। तुसी इत्थों ए दी वैल्यू फाइंड कर लो, 207/3 कैंसल आउट करोगे 69 आ गया, ए दी वैल्यू कितनी आ गई 69। देखो फिर इन्होंने की क्या गा प्रोडक्ट किन्दी, टू स्मॉलर पार्ट इज 4623। देखो दो स्मॉलर पार्ट की हो गई, एक तो ए माइनस डी हो गया, एक ए हो गया। ठीक है, 207 दे 3 पार्ट हो गए, क्योंकि ए पीछे क्या है ना, एक ए माइनस डी लैट कर लिया, एक ए तो एक ए प्लस डी, तिना का सम 207 से उतो तुम ए की वैल्यू फाइंड कर ली। हूँ इन्होंने क्या प्रोडक्ट दोनों स्मॉलर पार्ट की, देखो इन्हों दोनों ए दोनों इस तो दोनों छोटे ही होंगे ना थर्ड नंबर तो। ठीक है ना, ए माइनस डी तो ए की जी प्रोडक्ट है वो किन्दे इक्वल दी हुई है 4623। ठीक है, स्मॉलर पार्ट की जी प्रोडक्ट है वह किन्दे इक्वल दी हुई है 4623 की। देखो ए की वैल्यू तुम फाइंड कर ली 69, इतने पुट कर दो 69 माइनस डी इंटू 69 इक्वल टू 4623। देखो 69 इधर मल्टीप्लाई चाहता इधर आके क्यों जो डिवाइड चाहूगा, देखो इन डिवाइड करके देखो इन 67 से कट कर दूंगा, माइनस डी आ प्लस का 69 इधर आके के जुगा नैगटिव, माइनस डी इक्वल टू माइनस 2, डी की वैल्यू देखो थोड़े को आ गई, ए तो डी की वैल्यू आ गई, 3 नंबर की से अपने को ए माइनस डी ए तो ए प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है 69, डी की वैल्यू 2, ए दी 69 डी दी 2। फर्स्ट नंबर 67 हो गया, सैकेंड 69 हो गया, थर्ड 71 हो गया। ठीक है, देखो इन्हों तिना का सम करके देख लियो 207 होगा। ठीक है, शो दैट सम ऑफ एम प्लस एनथ टर्म एंड एम माइनस एनथ टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू ट्वाइस द एमथ टर्म। कहते एम प्लस एनथ टर्म फाइंड करो, एम माइनस एनथ टर्म फाइंड करो, उनका सम है ना किन्दे इक्वल है ट्वाइस इट्स एमथ टर्म, एमथ टर्म दे ट्वाइस से, यानी कि एमथ टर्म फाइंड करके इंटू च की करना है 2। देखो पहले तो एम प्लस एनथ टर्म फाइंड करो, फिर एम माइनस एन टर्म फाइंड करो, फिर दोनों का सम फाइंड करो। ठीक है, देखो एम प्लस एनथ टर्म एम माइनस एनथ टर्म का सम किन्दे इक्वल प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ एमथ टर्म। ठीक है, टू प्रूव सम ऑफ एम प्लस एनथ टर्म एम माइनस एनथ टर्म किन्दे इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ एन। लेफ्ट हैंड साइड लो, ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन। देखो इन्हें फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली इन्हें फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी
यानी कि देखो nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तुसी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख दो ना, इतने एन की जगह पर की है एम प्लस एन, एन की जगह पर की है एम माइनस एन, ठीक है। ए प्लस ए टू ए डी इंटू एम, डी इंटू एन, डी इंटू माइनस एन, एम इंटू डी, माइनस एन इंटू डी, माइनस वन इंटू डी, माइनस माइनस डी, ठीक है। एन डी प्लस एन डी माइनस कैंसिल आउट, टू ए एम डी, एम डी टू एम डी, माइनस डी माइनस डी, माइनस टू डी, टेकिंग कॉमन टू ए प्लस एम डी माइनस डी, टू इंटू ए प्लस, देखो इन चो टेकिंग कॉमन डी, ठीक है, डी कॉमन लो, ठीक है। देखो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी किंदे इक्वल होंगे एमथ टर्म दे, ठीक है, टू इंटू एमथ टर्म, देखो एम टर्म का फॉर्मूला ही होंगे ना, ए प्लस एन एम माइनस वन इंटू डी, देखो सेम बन रहे ना, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, एक ही हो गया टू टाइम्स ऑफ एमथ टर्म, यानी कि किंदे इक्वल आ गया राइट हैंड साइड पर, ठीक है। यही प्रूव करना समझ, देखो